बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल थ्योरम। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने एग्जांपल नंबर 6 वो 2 सॉल्व की थी और उससे रिलेटेड सवाल आपको करने को किए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं किया था, ठीक है। उसमें से एक सवाल कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मतलब मिलते जुलते हैं। तो कल बताया था लेकिन एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर वो हमें जो है वो समझ नहीं आए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से कोई एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी फिर से 2.1 हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और जो बच्चे जो है नहीं पढ़ रहे तो उनके लिए बेटा ये है कि आपकी जो लेक्चर्स हैं ये एक तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर जिनके बाद कुछ शिकायत है कि हमारे पास लेक्चर्स नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, और ठीक है ना, हम कैसे करें, तो ये सारे लेक्चर जो है वो आपके यूट्यूब पर चैनल जो प्रो आपको दिया गया था उस पर अवेलेबल है प्रीवियस लेक्चर। और दूसरा बुक जो है जिसके पास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चैप्टर वाइज जो है वो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका दिल कर जाए कभी पढ़ने का तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 5 एक्सरसाइज 2.1 का उसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक्सपेंड करो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 4 इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ठीक है, छोटी से बड़ी एक्स की पावर, सबसे पहले एक्स फिर एक्स स्क्वायर का टर्म रखना, यानी कि आउटपुट जो सॉरी रिजल्ट जो आपका निकलेगा उसके अंदर जो है वो आपने पहले एक्स रखना है, फिर एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स क्यूब रखना है, इस तरीके से जो है वो पावर रखनी है। बाकी एक्सपेंड सेम एज इट इज करना है। अच्छा बच्चे समझ ये नहीं आ रहा था कि इसको हल कैसे करें। हल करने का आसान तरीका यह है, सॉल्व 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 4। बायनोमियल थ्योरम के लिए हमारे पास जो है वो जो चीज होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि आपके पास दो टर्म होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ए बना लेते हैं और इसको बी बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। इसको अगर आप हल करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। प्लस एन एन क्या है, 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस एक्स पावर 3, 4 माइनस 3 इंटू बी, बी है आपका एक्स स्क्वायर के बराबर अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है, प्लस 4 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी जो है ना वो रख सकते हैं। अब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 कर ले, 1 माइनस एक्स पावर 1 और एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स पावर 0 और एक्स स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। ये आपकी हो गई ब्रैकेट, आपकी जो है ना कंप्लीट हो गई। अच्छा जो फार्मूला है एक्स पावर 4 का वो बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, बुक के अंदर पेज नंबर 24 के ऊपर जो है ना एक्स ए प्लस बी होल पावर 4 का फार्मूला जो है वो आपको
मिल जाएगा। सबसे पहले हम अगर लिखें, वो फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी होल पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी पावर 4। ठीक है, तो वो जो पहला जो टर्म है हमारा, ये इसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा, तो बन जाएंगे वन वन की पावर 4 प्लस 4 ही बराबर है 1 माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो पहला टर्म प्लस का दूसरा माइनस का, इसको हम 1 माइनस 4, अच्छा ये बराबर है इसके 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर पर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 6 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 एक्स पावर क्यूब प्लस बी यानी कि एक्स पावर 4, ये बन जाएगा आपका टोटल। इसको मैं अलग से सॉल्व कर दूं, 1 माइनस 4 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, तो हमने जो पहला जो टर्म है हमारा, उसकी जगह पे हम ये चीज रख देते हैं, यानी कि इसकी जगह पे ये चीज रख सकते हैं, वन माइनस 4 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, दूसरा जो टर्म है वो है प्लस 4, यानी कि यहाँ पे लगेगा क्यूब का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो एक्स है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हाँ, दूसरा है 2 फैक्टोरियल 2 का टेबल, इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, ये बन जाएगा 6 प्लस 6, ठीक है, ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम इसके साथ, इसको 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स पावर 4। ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और ये एक्स पावर 4 बन जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो ये बन जाएंगे 3 2 6 और ये बन 4 प्लस 4 1 माइनस एक्स और एक्स पावर 6, ये 1 माइनस एक्स और एक्स पावर 4, ये सारे के सारे कैंसिल, ये 0 और ये बच जाएगा आपका एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 8। इसको हम दोबारा लिखेंगे 1 माइनस 4 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करते जाए और 4 को भी जो है वो हम मल्टीप्लाई करते जाए, तो बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 थ्री द 12 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, सॉरी एक्स है सिर्फ, एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स पावर ये स्क्वायर और स्क्वायर एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस 4 एक्स पावर 5, 4 एक्स पावर 5, ठीक है, अगेन प्लस 6 एक्स पावर 4 माइनस 6 टू द 12 एक्स पावर 5 और प्लस 6 एक्स पावर 6, ठीक है,
छः को मल्टीप्लाई के साथ छः, एक्स पावर फोर हो गया, सिक्स को मल्टीप्लाई टू के साथ 12 हो गया, एक्स और एक्स पावर फोर यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया एक्स पावर फाइव, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस फोर एक्स पावर सिक्स माइनस फोर एक्स पावर फाइव प्लस, नहीं सॉरी सेवन प्लस एक्स पावर एट। ठीक है, ये यहाँ तक जो है वो हमारा सवाल फिलहाल हो गया कंप्लीट। अब इसको बजाय इसके कि मैं आगे लेके जाऊं अगले पेज पे, इसको मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन लिखे हैं तो यहाँ तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई गलती हो तो फिर वो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा एक बार करके। ठीक है, कोशिश किया तो कोई गलती हो ना, फिर भी अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसे देख लेंगे मैं दोबारा उसको सॉल्व करके। अब आपके पास सवाल है वन माइनस हम क्या करेंगे कि जो सेम सेम वेरिएबल्स हैं उनको सेम रखेंगे, वन माइनस फोर एक्स और है कहीं, फोर एक्स मेरे ख्याल से नहीं है, वन माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर है एक, ठीक है, और दूसरा है ये, और दूसरा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कोई एक्स स्क्वायर है और कोई नहीं है। फिर आ जाते हैं एक्स क्यूब के ऊपर, ठीक है, माइनस फोर एक्स क्यूब ये रहा, और माइनस ट्वेल्व ये रहा, माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब, ठीक है, और उसके अलावा कोई एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं एक्स पावर फोर के ऊपर प्लस एक्स पावर फोर एक येरी प्लस ट्वेल्व एक्स पावर फोर, ठीक है, एक येरी प्लस सिक्स एक्स पावर फोर, और कोई एक्स पावर फोर और कोई नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्स पावर फाइव के ऊपर, ठीक है, एक्स पावर फाइव और कहाँ है, माइनस एक तो ये रही फोर एक्स पावर फाइव माइनस ट्वेल्व एक्स पावर फाइव ये रही, और एक्स पावर फाइव तो ही नहीं है। ठीक है, सिक्स प्लस सिक्स एक्स पावर सिक्स प्लस फोर एक्स पावर सिक्स, ठीक है, ये दोनों साथ साथ थे, माइनस फोर एक्स पावर सेवन और प्लस एक्स पावर एट, वन माइनस फोर एक्स प्लस 10x2, ठीक है, माइनस 16x3 प्लस 13x4, नहीं 13 नहीं ना, 12 और 13, 13 और 6 19, माइनस 12 और 4 कितने हो गए 16x5 प्लस 10x6 माइनस 4x7 और प्लस x8, ये आपका आंसर, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यही आपका आंसर है। ख्याल आपने ये करना है कि जो सिंपलीफाई जो टोटल किए हैं आपने सारा, इसके अंदर कोई माइनस की गलती ना हो, मल्टीप्लिकेशन में कहीं आपने मल्टीप्लिकेशन अगर नंबर की करनी है तो नंबर भी हो रहे हैं, कहीं निशानी सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी करना है, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी चीज की गलती ना हो तो इंशाल्लाह आपका आंसर सही आएगा। अगर आपकी आंसर सही नहीं आता तो आप उस सवाल को रीचेक करें, उसके अंदर से मिस्टेक फाइंड करें, ठीक है, और फिर जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना वो आपका सवाल सही हो गया। अगर फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो जो है फिर हम उसको खुद से हल करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सेम वैसे ही है, कोशिश करें आप इसको हल करने की, पहले क्वेश्चन नंबर फाइव की प्रैक्टिस करें, उसके बाद जो है ना वो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो खुद से हल करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।